आज ना मुझे मेरा ड्रेसिंग टेबल साफ करना है। बहुत दिन हो गए मैंने मेरे जो एक्सपायर्ड मेकअप आइटम्स है उसे निकाला ही नहीं है, डिक्लटरिंग ही नहीं किया है। पर यार क्या करें, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आपके पास ये टाइम ना होने के बहुत सारे बहाने होते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में हम कम से कम 8 से 9 घंटे नींद पूरी करते हैं, 15 से 16 घंटे हम हमारे खुद के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अक्सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है ये बहाने करते रहते हैं। अगर आप मेरी एग्जांपल लें तो मैं एक होममेकर के साथ एक यूट्यूबर भी हूँ, तो मुझे घर संभालना होता है, घर का काम, मेरा बच्चा, पति, सब कुछ, और उसी के साथ मुझे यूट्यूब का भी काम संभालना होता है। मुझे कई सारी लेडीज़ पूछते हैं कि आप दोनों किस तरह से मैनेज करते हैं, तो मैंने एक फंडा क्रिएट किया है। उस फंडे में मैंने अपने पूरे दिन का, पूरे वीक का एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के मैंने अपने टाइम शेड्यूल के जो मैं बनाती हूँ उसके अनुसार मैं अपना काम पूरा करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेरे कुछ टाइम मैनेजमेंट के टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप मेरे जैसे जो होम मेकर होंगे उनके लिए ये टिप्स बहुत यूजफुल होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो भी वर्किंग वूमन है, बाहर जॉब करती है, उनके लिए ये टिप्स शायद थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे जो होम मेकर है, छोटा सा बिजनेस वगैरह करते हैं या यूट्यूब करते हैं, उनके लिए ये टिप्स बहुत ही यूजफुल होगी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं जनरली संडे के दिन बैठ के आने वाले हफ्ते के लिए पूरा टाइम टेबल बना लेती हूँ कि मुझे आगे जाके हफ्ते में क्या क्या काम करना है, जैसे कि ग्रॉसरी, वेजिटेबल शॉपिंग कब खरीदना है, मार्केट कब जाना है, या छोटी मोटी जो भी काम है वो मैं इस शेड्यूल में लिख लेती हूँ, ताकि मुझे आने वाले हफ्ते में सारे काम मैनेज करना आसान होता है। टाइम टेबल बनाना आपके लिए थोड़ा सा फूलिश लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जो भी बड़े बड़े ऑथर्स होते हैं जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट पे बुक लिखे है, उनका यही सजेशन होता है कि आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लीजिए। इस टाइम टेबल में आपका जो प्रायोरिटीज़ वाले काम होते हैं उनको ऐड कीजिए, अपने काम को ऐड कीजिए, फैमिली के लिए टाइम दीजिए। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल मैं हफ्ते में बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होता है वो दोनों हफ्ते में और एक महीने में क्या क्या टास्क मुझे कंप्लीट करने हैं वो लिखा है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर क्लीनिंग ये हफ्ते में या महीने में आप कर सकते हैं, किचन क्लीनिंग, डीप क्लीन, ये ऐसे 15 काम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ज़रूरी नहीं कि 15 के 15 काम आपको एक महीने में कंप्लीट ही करना होगा, लेकिन मैंने लिखे रखा है तो कम से कम मैं 10 काम तो इसमें से कर पाऊँ। और ये मैंने हफ्ते का लिखा है कि मुझे मंडे में क्या करना है, लिविंग रूम का क्लीनिंग करना है, ट्यूसडे में डाइनिंग रूम, इस तरह से मैंने संडे तक का सारा अपना काम लिख रखा है। तो टाइम टेबल बनाने से मुझे आने वाले हफ्ते में सारे काम मैनेज करने में, टाइम मैनेज करने में बहुत ही हेल्प होता है। मल्टीटास्किंग, इससे भी आप अच्छा खासा टाइम पूरे दिन में सेव कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग का मतलब आप 2 या 3 काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो भी काम आप कंबाइन करके करना चाहते हैं वो इजी हो, ताकि आप दोनों काम को अच्छे से मैनेज कर पाए। जैसे कि मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ रोटी के लिए, उसके साथ ही मैं तवे पे पीनट्स को भी फ्राई कर रही हूँ, ताकि मुझे हफ्ते के लिए पाउडर बनानी है इसीलिए। तो जो इजी वाले काम होते हैं उसे आप कंबाइन कीजिए, मल्टीटास्किंग कीजिए, और ट्रस्ट मी इससे आपका बहुत सारा टाइम भी सेव होता है। जो टाइम सेव होता है वो आपके काम करने के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके टाइम मैनेजमेंट में। आप पूरे हफ्ते में लगने वाली सारी वेजिटेबल, फ्रूट्स या कुछ ग्रोसरीज होती है वो आप वीकेंड के किसी एक दिन ला के रखें, ताकि आपको आने वाले हफ्ते में बार बार 1-2 दिन बाद उन्हें खरीदने के लिए मार्केट जाना ना पड़े। यहाँ पे मैं ग्रोसरी या जो भी वेजिटेबल्स लाती हूँ वो मैं वेजिटेबल्स को वॉश नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि रेनी सीजन में ऑलरेडी वो गीले होते हैं कई बार वेंडर के पास ही, तो अगर आप इन्हें फिर से धोएंगे तो वो जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो मैं 4-5 घंटे के लिए मैं ऐसे कोई भी कपड़े पे छोड़ देती हूँ। और अगर आपको बाहर जाना किसी कारण पॉसिबल नहीं है तो आप घर के कोई सदस्य का
हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। मेरे जो हस्बैंड है वो वीकेंड के या सैटरडे या संडे को जाके सारा वेजिटेबल या ग्रोसरी खरीद के लाते हैं। यहाँ पे मैं जो भी पैक्ड आइटम है ग्रोसरी के उन पे ही सैनिटाइज कर रही हूँ, और जो वेजिटेबल है वो मैं इसे ही छोड़ रही हूँ और बाद में मैं इसे अपने अपने जगह पे मतलब रख दूंगी। फ्रिज में मैं कुछ वेजिटेबल्स पॉलीथीन में रखे ताकि मुझे इसे साफ करना है, और मेरे पास आज के लिए थोड़ा टाइम कम था सुबह के टाइम, तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ही इसे फ्रिज में रख दूंगी और शाम के वक्त इसे मैं धो के साफ करके छान के फिर जो फ्रिज वाले नेट बैग्स है उनमें पैक करके रखूंगी। तो आप इस तरह से थोड़ा सा टाइम टेबल बनाइए अपने काम का, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है उसका भी, तो आपके लिए टाइम मैनेज करना इजी होगा। हम खाली बैठे बैठे 2-3 घंटे ऐसे ही सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते हैं, उसके चक्कर में बाकी जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो हमारा रह जाता है। सोशल मीडिया के लिए आप लिमिटेड टाइम दिन में रखें ताकि सुबह शाम आप सिर्फ आधा आधा घंटा दे सकते हैं, ये अच्छा होगा। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप घर के बहुत सारे काम होते हैं उनको कीजिए। अगर आप लिस्ट निकालने जाइए तो लंबी चौड़ी लिस्ट निकल के आती है घर के कामों की, तो थोड़ा टाइम आप अपने हॉबी के लिए दे सकते हैं, जो आपको काम पसंद है उसके लिए दे सकते हैं, या जो भी टाइम बचा है वो आप अपने जो वर्क है उनको कंप्लीट करने में दीजिए, बुक रीडिंग कीजिए या ड्राइंग कीजिए। मुझे अपना मूड खराब होता है तो मैं कई बार बोर हो जाती हूँ तो छोटा सा DIY कर लेती हूँ अपने घर को सजाने के लिए। यहाँ पे मैं अपने जो स्नैक सेक्शन है जहाँ पे मैं ग्लास कंटेनर्स रखती हूँ उनको थोड़ा सा DIY करके सुंदर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इससे मेरा मूड भी अच्छा हो जाता है। और जो खुद से बनाए हुए DIY आइटम्स है जब हम इसे घर में सजाते हैं तो उनसे जो हमें खुशी मिलती है उसका कोई मोल नहीं होता है। तो इस तरह से सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अब आप इसे अच्छे टाइम में यूटिलाइज करिए, अच्छे कामों में अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए तो ये बहुत अच्छा होगा। फैमिली टाइम और वर्क टाइम दोनों को अच्छे से मैनेज करना ये भी एक कला है। मैं खुद होममेकर हूँ तो मुझे घर के साथ घर के सदस्यों का भी ख्याल रखना है, मेरे बच्चे का ख्याल रखना है, उसी के साथ मुझे यूट्यूब का भी काम करना है। सुबह उठते ही घर के मेंबर्स के लिए खुद के लिए चाय बनाना, ब्रेकफास्ट की तैयारी करना, ब्रेकफास्ट बनाना, उसके बाद लंच की थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, लंच प्रिपेयर करना पड़ता है। उसी के साथ घर में अगर बड़े बुजुर्ग हो तो उनकी देखभाल करना वो भी एक आता है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको नाना धोना खाना खिलाना ये भी इम्पोर्टेंट काम है। शाम के टाइम आपको चाय के साथ थोड़ा सा जो नाश्ता प्रिपेयर करना पड़ता है, किसी घर में ये अभी भी होता है कि चाय के साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ खाता ही है। उसके बाद आपको डिनर की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और आजकल तो बच्चे घर से ही ऑनलाइन स्कूल कर रहे हैं, तो अगर बच्चे छोटे हैं तो आपको बच्चों के साथ ही बैठ के उनकी स्कूल अटेंड करना पड़ता है, बच्चों का होमवर्क होता है, उनके साथ थोड़ा सा खेलना भी पड़ता है क्योंकि हम अभी बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज भी नहीं सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्क टाइम, अगर आप होममेकर हो तो पूरे दिन आपको घर बच्चे फैमिली को संभालना पड़ता है। और आप मेरी एग्जांपल देखेंगे कि मैं एक होममेकर के साथ मुझे यूट्यूब का भी काम करना होता है, तो मैंने पूरे दिन में अपने घर को भी टाइम देना पड़ता है, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, और मेरे यूट्यूब के काम के लिए भी मैं टाइम ज़रूर निकालती हूँ। आप जो हफ्ते में 2 वीडियोस देखते हैं उनके पीछे बहुत सारे मेहनत हमारी लगी हुई होती है। आपको मेरा एग्जांपल देके समझाती हूँ। मैं हफ्ते में पहले 1 वीडियो देती थी, तब मेरे पास हाउस हेल्पर नहीं थी, लेकिन अभी मैंने जुलाई से हाउस हेल्पर की मदद लेना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि सारा काम मैं खुद करूँगी तो मेरे एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती थी जब भी दिन ख़त्म होने लगता था, तो मैंने हाउस हेल्पर की मदद लेना स्टार्ट कर दिया है तो मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाता है। तो मैं इस टाइम के लिए मैं थोड़ा सा अपने यूट्यूब को देती हूँ, तो मैं अब नोटिस करेंगे कि मैं हफ्ते में अब 2 वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ।
इन दो वीडियोस बनाने में हमारी बहुत सारी मेहनत लगी हुई होती है। खुद ही स्क्रिप्ट राइटिंग करती हूँ, मुझे खुद से ही वीडियो को शूट करना पड़ता है। कई बार एंगल्स मुझे एडजस्ट करने होते हैं तो मेरे घर के मेंबर्स से, मेरे हस्बैंड, उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। एडिटिंग भी मैं खुद से ही करती हूँ, तो सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे टाइम स्लॉट बना के रखे हैं पूरे दिन में। तो इसी एक घंटे में मुझे ये काम करना है यूट्यूब का, अगले दूसरे घंटे में मुझे यूट्यूब का ये काम करना है, तो मैं आसानी से हफ्ते में दो वीडियोस रिलीज़ कर पाती हूँ। लेकिन आपको ये थोड़ा सा फुलिश लगेगा कि बच्चों जैसा क्यों टाइम टेबल बनाए, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अगर आप अच्छे से अपना पूरे दिन का टाइम मैनेज करेंगे तो आप अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी करेंगे। जब आप काम करते हैं तो अपने मोबाइल को दूर ही रखना अच्छा होता है। अगर आप पास में ही रखते हैं तो उसे साइलेंट पे रखिए, क्योंकि जब भी हमें कोई मैसेज आता है या कॉल आता है तो नोटिफिकेशन बेल बजती है और हम बार बार मोबाइल चेक करते हैं, और ऐसा करके हमारा बहुत सारा टाइम मोबाइल चेक करने में ही चला जाता है। या कई बार अगर कोई फ्रेंड ऑनलाइन मिल जाती है तो उन पर चैट करने में भी हम घंटों घंटों बिता देते हैं। जो हमारा मेन काम होता है, जिनके लिए हम बैठे हुए होते हैं, वो रह जाता है। इन केस आपको अगर ईमेल चेक करना है या इम्पोर्टेंट कॉल चेक करना है तो आप मोबाइल को साइलेंट पे रखें। जो भी इम्पोर्टेंट कॉल आपको मालूम है इस टाइम आने वाला है, तो ही आप मोबाइल को कॉल रिसीव कीजिए या ईमेल का जवाब दीजिए। तो इससे आप थोड़ा सा ये करते जाएंगे तो अपने आप में हैबिट होती जाएगी और आप वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, और इसी तरह मोबाइल में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल होम वाइज बाय लीना को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ते में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।